हेलो एवरीवान वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉट स्पॉट सो दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ़ सोशोलॉजी एम सी क्यू सो वी आर कवरिंग एम सी क्यू फॉर सोशोलॉजी फॉर द डिफरेंट एग्जाम लाइक एम ए एंट्रेंस यू जी सी नेट सोशलॉजी आपका अपकमिंग पी एच डी का एंट्रेंस जो होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं तो वेरियस काइंड ऑफ सोशोलॉजी एग्जाम के लिए यहाँ पे हम लोग सोशोलॉजी की एक एम सी क्यू सीरीज कवर कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए पी वाई क्यूज और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और द टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ टारगेट है ये फाइव थाउजेंड एम सी क्यूज कवर करने का एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा एंड इफ़ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इज बेनिफिशियल देन आई विल ट्राई टू कवर दिस एज सुन एज पॉसिबल और मल्टीपल कंसेप्ट के साथ हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्टी एट तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वट इज़ द टर्म फॉर अ सोसाइटी करेक्ट्राइज बाई अ क्लोज़ निट रिलेशनशिप मतलब एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वैल्यूज़ ट्रेडिशनल हैं एंड सोसाइटी में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर मॉडर्न चीज़ें इंट्रोड्यूज़ नहीं हुई हैं राइट right? तो मॉडर्न चीज़ें नहीं आई हैं तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो पहले की सोसाइटियाँ हुआ करती थी सो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सोशलॉजिकल प्रस्पेक्टिव सोशलॉजी को समझने के बहुत सारे प्रस्पेक्टिव होते हैं दैट इज फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म एंड आपका कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म अगर आपको चाहिए तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी जस्ट आप कमेंट करके बताएंगे तो कौन सा सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव जो है वो फोकस करता है पावर एंड इनक्वालिटी पे पावर एंड इनक्वालिटी इनक्वालिटी मतलब कुछ लोगों के पास चीज़ें हैं एंड कुछ लोगों के पास चीज़ें नहीं हैं एंड इस रीज़न से सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो ये जो है ये हमारा हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट थोरी कालमार्क्स जो है वो इस आ, पर्टिकुलर के अंडर जाते हैं बिकॉज वो भी इसी बेसिस पे इन इन द सोसाइटी की बात करते हैं नेक्स्ट हु इज नोन फॉर द वर्क क्वेश्चन फोर्टी वन ऑन द कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ एंड सिंबोलिक इंटरक्शनिज्म सेल्फ की बात कौन करता है आई एंड मी के कंसेप्ट की बात की है यहाँ पे तो ये कंसेप्ट की बात सेल्फ की बात कौन कर रहा है तो देखिए ये बात डायरेक्टली अगर आपने थिंकर्स को पढ़ा है तो ये जी एच मीड ने करी है एमली डर्किम तो थ्योरी ऑफ सुसाइड की बात करते हैं एमिली डर्किम जो है आपके वो ऑर्गेनिक और, और मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात करते हैं मार्क्स एलिनिएशन की बात करते हैं इकोनॉमी बेसिस पे सोसाइटी डिवाइड है प्रोलेटेरियट एंड बाउंड की बात करते हैं मैक्स वेबर अथॉरिटी की बात करते हैं रिलीजन uh, को रिलीजन uh, को लेके थ्योरी देते हैं बट ये सेल्फ के कंसेप्ट पे जो बात है वो की है जी एच मीड ने ये फॉल भी करते हैं आपके सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म परस्पेक्टिव के अंडर नेक्स्ट वो पूछ रहा है आप क्या टर्म यूज़ करेंगे फॉर द सेट ऑफ बिलीव्स वैल्यू नॉर्म्स कुछ बिलीव्स हैं वैल्यूज हैं एंड नॉर्म्स अच्छा नॉर्म्स तो यही लिख दिया तो नॉर्म्स तो नॉर्म्स होंगे नहीं पहली बात तो ये देख के चलो जो इंडिविजुअल की लाइफ को गाइड कर रहे हैं दैट गाइड इंडिविजुअल लाइफ अब आपके माइंड में सोशलाइजेशन आ सकता है बट सोशलाइजेशन इज अ वे कि आप सोसाइटी से इंटरेक्ट किस तरीके से करोगे तो प्रॉपर मीनिंग पता होना जरूरी है क्या यहाँ पे सोसाइटी से इंटरेक्शन जैसा कोई वर्ड लिखा हुआ है इंट्रैक्शन विद द सोसाइटी मेंशन है नहीं तो सोशल सोशलाइजेशन आंसर नहीं होगा इसका आंसर हो जाएगा कल्चर किसी भी पर्सन का जो कल्चर होता है वो उसको गाइड करता है उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं वो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्रेसिंग स्टाइल ईटिंग हैबिट्स रूल्स जो फॉलो किए जा रहे हैं तो वो पर्सन का कल्चर डिटरमाइन करता है फोर्टी थ्री क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ एजुकेशन पहली बात तो मैनीफेस्ट फंक्शन की बात करें और किसके मैनीफेस्ट फंक्शन की एजुकेशन की तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मैनीफेस्ट फंक्शन क्या होता है देखिए दो चीज़ें हैं एक होते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन और एक होते हैं लेटेंट फंक्शन मैनिफेस्ट फंक्शन जब किसी भी चीज़ के पूछे जाए तो वो होता है डायरेक्ट फंक्शन लाइक मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ उसका डायरेक्ट रीजन है दैट आई वांट टू टीच यू समथिंग मैंने बताया भी था आई थिंक लास्ट वीडियो में मैनिफेस्ट एंड लेटेंट के बारे में तो डायरेक्टली मेरा पर्पज है कि मैं आपको ये एमसीक्यू कवर कराना चाहती हूँ सो दैट आपका एग्जाम क्रैक हो जाए अब इस बीच में मैं आपको एग्जाम के फॉर्मेट बता देती हूँ कि इस दिन एग्जाम आने वाला है अपकमिंग एग्जाम ये आने वाले हैं या ऐसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो तो अल्टीमेट वीडियो का पर्पज स्ट्रैटेजी नहीं था बट आई इन्फॉर्म यू अबाउट द स्ट्रेटजी ऑल्सो इन दिस वीडियो तो वो जो थे वो इनडायरेक्ट फंक्शन थे यानी कि हिडन फंक्शन थे जिन्हें लेटेंट भी बोलते हैं क्लियर तो मैनिफेस्ट होते हैं डायरेक्ट लेटेंट होते हैं हिडन अब यहाँ पे वो आपसे एजुकेशन का मैनीफेस्ट फंक्शन पूछ रहा है कि इनमें से एजुकेशन का डायरेक्ट फंक्शन कौन सा है तो अगर हम देख के चलें वो कह रहे हैं नॉलेज एंड स्किल ठीक है ये तो एजुकेशन डायरेक्टली प्रोवाइड करती ही करती है लोग इंटीग्रेट होके रहें क्या एजुकेशन में इनिशियली ये लिखा होता है कि आपस में मिलजुल के रहो हाँ बट अवेयर हो जाओगे तो इंटीग्रेशन शांति से रहना हामनी से रहना प्यार मोहब्बत से रहना ये सब पता चलने लगता है आपको धीरे धीरे चेंज लाना एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन की समाज में डिवीज़न भी एग्जिस्ट करता है स्ट्रेटा बने हुए हैं तो सिंपल सा आंसर है मेन पर्पज़ तो होता है पर्सन को नॉलेज और स्किल देना क्लियर आप किसी को एजुकेट करो मीज यू वॉन्ट टू गिव द नॉलेज टू द अदर पर्सन यू वॉन्ट टू ट्रांसफर द नॉलेज और द स्किल बाकी सब एजुकेशन से हो जाते हैं लेकिन वो लेटेंट फंक्शन में आते हैं क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी में जो मूवमेंट है इन्वॉल्व इंडिविजुअल मूविंग अप और डाउन द सोशल हेडार्टी विद इन दियर लाइफ टाइम या तो आप इस तरीके से मूव करे हो या इस तरीके से तो ये कौन सा कंसेप्ट है ये है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्लियर इट इज नथिंग बट इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजी जो मॉडर्न सोशोलॉजी के फाउंडर है एंड अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड के लिए फेमस है देखिए फादर ऑफ सोशोलॉजी तो अगस्त कॉम्ड को बोला जाता है बट आप देखिए डायरेक्टली ये बात नहीं की और आगे आपको सीधा सीधा कीवर्ड दे दिया जिससे आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो थ्योरी ऑफ सुसाइड तो थ्योरी ऑफ सुसाइड क्लियर कट हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है ये थ्योरी दी थी एमिली डॉकिम ने आंसर आ गया हमारे पास डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच सोशोलॉजिकल कंसेप्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी टू व्यू वंस ओन कल्चर एज सुपीरियर टू अदर एंड जज अदर कल्चर बाई वंस ओन स्टैंडर्ड वैन द पीपल विल कंसिडर कि मेरा कल्चर ही सुपीरियर है एंड द अदर कल्चर आर इन्फीरियर एंड आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे कल्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो मीन्स यू आर गिविंग योर कल्चर द सुपीरियरिटी ओवर द अदर कल्चर तो इस कंसेप्ट को याद कर लो इम्पॉर्टेंट है ये छोटी छोटी टर्म्स इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एथनोसेंट्रिजम एथनोसेंट्रिज्म और इसी के उल्टा अगर हम देखें जब हम दूसरे कल्चर को मानते हैं कि उनका कल्चर बहुत बढ़िया है दूसरे लोगों का और हमारा कल्चर ख़राब है जैसे जब हम इंग्लिश एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे थे सो वी आर कंसीडरिंग ना यार बाहर के लोगों का कल्चर कितना अच्छा है देखो कितनी लिबर्टी है लिबर्टी वाला पॉइंट तो चलो ठीक है लेकिन बाकी इंग्लिश एजुकेशन खाने पीने का पैटर्न तो ये जब दूसरे कल्चर को आप सुपीरियर कर रहे हो और अपने कल्चर को इन्फीरियर मान रहे हो तो इसे कहते हैं जीनोसेंट्रिज्म तो दोनों टर्म याद रखने हैं एथनोसेंट्रिज्म एंड जीनोसेंट्रिज्म एथनोसेंट्रिज्म में सिर्फ हम 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 हमारा कल्चर बाकी खराब जीनोसेंट्रिज्म में दूसरा अच्छा और अपना खराब ठीक है ये फोर्टी सिक्स हो गया अगला आते हैं जेंडर एंड सेक्शुअलिटी के कंटेक्स्ट में हेट्रोनॉर्मेटिविटी क्या होता है जस्ट आप वीडियो को पॉज करके एक बार आंस को ऑप्शन देख लीजिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ बिकॉज हमें ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं तो और इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट भी नहीं है सो आई एल जम्प टू द आंसर डायरेक्टली हेट्रोनॉमेटिविटी का मतलब होता है द अजम्पन दैट हेट्रोसेक्शुअलिटी जो है वो एक नॉर्म है जब आप ये अज्यूम करके चलते हो देन दैट कंसेप्ट दैट टर्म इज नोन एज हेट्रोनोमेटिविटी क्लियर सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास लास्ट क्लास में हमने थर्ट एट तक करे थे दस दस क्वेश्चन है आई ट्राई दस पंद्रह क्वेश्चन करके हम करें धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ाएंगे बट स्पीड बढ़ाने की अगेन टेंडेंसी डिपेंड करती है कि स्टूडेंट रिटेंशन कितना है स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है चलिए वट विच सोशल थ्योरिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ आयरन केज अब अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हो तो आयरन केज से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए वैसे तो बट आगे पढ़ो रेशनैलिटी और ब्यूरोक्रेसी की भी बात की है तो ब्यूरोक्रेसी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी इस सब की जो बात की है इन सब में से वो करी है मैक्स वेबर ने आयरन केज का कॉन्सेप्ट आयरन केज पे चैनल पे वीडियो भी है आप लोग आयरन केज एजुकेशन हॉटस्पॉट डालोगे तो आपको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा वहाँ से आप आयरन केज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी समझ सकते हो बिकॉज ईज आर द वीडियो जहाँ पे हम एम ही प्रैक्टिस कर रहे हैं सो तो अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने बताया आयरन केज की वीडियो अवेलेबल है आप वहाँ पर देख सकते हो सो आई होप ये एम समझ में आए होंगे सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू कवर मोर सच एम सी क्यू सो या दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर एम सी क्यू टारगेट रखेंगे टेन टू ट्वेंटी के बीच में ही एम सी क्यू एक वीडियो में कवर करने का टिल देन पढ़ते रहिए एम सी क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पी एच डी एंट्रेंस भराया नेट देने वाले हैं दिसंबर में सो या अगर किसी टॉपिक में किसी कंसेप्ट में कोई डाउट भी आ रहा है देन ऑल्सो यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू मेक द वीडियो और इंक्लूड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द एम सी क्यू फॉर्मेट इन द Next class. So that's all for this video. Thank you for watching.